नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय बुलेटिन और हुंकार मीडिया। जैसा कि आप हमें देख पा रहे हैं, हम लोग बॉर्डर बंद के वार्ड नंबर 181 के प्रसाद नगर में हैं। यहां पर जन सुविधा केंद्र को लेकर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। चार दिन से पानी नहीं है, नल की व्यवस्था नहीं है। हाँ, एक हफ्ते से नल में पानी नहीं है और हमारे पास जैसी संज्ञान में ये मामला आया, नल सही करने वाले टीम आ गई है, लेकिन अभी जन सुविधा केंद्र में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है पानी की जो इनको मिल सके। हमारे साथ पवन है, पवन से बात करेंगे कि क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। एक हफ्ते से पानी की पूरी समस्या, मोटर, पवन थोड़ा तेज बोलो। एक हफ्ते से मोटर खराब हो चुका है, पानी की पूरी समस्या है। ठीक है, लोग अपने घर से पानी लेके यहाँ सोच करने आ रहे हैं। ठीक है, अंदर का गेट टूटा पड़ा है, ठीक है, टोटी नहीं है, ठीक है, पूरी गंदगी भरी पड़ी है। और मैंने, मुझे लगा यहाँ के निगम पार्षद जी हैं, उनको, पीए को मैंने फोन किया कि मतलब ये समस्या, तो पीए जी कहते हैं कि विधायक जी के अंडर में है। गोयल साहब के पार्षद को फोन किया। हाँ ठीक है, और उसके बाद उनके जो हमारे विधायक जी हैं, विधायक जी के लड़के को मैंने मैसेज डाला, उनको दो बार मैंने कॉल किया मगर उन्होंने एक बार भी मेरे कॉल का रिस्पॉन्स नहीं किया। उन्होंने मैसेज का तो सीन कर लिया मगर जी लिख के उन्होंने उसके बाद कोई जवाब नहीं उनका। विधायक साहब के पीए हैं? नहीं, उनके लड़के, उनके बेटे सुरेंद्र भी दूड़ी जी। अच्छा, सुरेंद्र जी को? हाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि अब स्टार्ट हो गया कोई काम और पूरी टूटा पड़ा है गेट। अच्छा, ये मामला हमारे संज्ञान में आने के बाद ये नल स्टार्ट हो गया है। अच्छा, अभी लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है अभी, गंदगी पड़ी हुई है। गंदगी भरी, आप अंदर जाके देख सकते हैं, पूरी गंदगी भरी पड़ी है। हाँ, पूरी गंदगी भरी पड़ी है। देखिए किस प्रकार से महिलाएं परेशान हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाह रही हो आप? माँ, हमेशा गंदगी रहती, कभी नहीं सफाई होती है, सही से सफाई होती ही नहीं है। बहुत गंदा है, चाहे पानी रहे या ना रहे। पानी रहता है तब भी गंदगी रहती है? तब भी गंदगी, बहुत गंदगी रहती है। और वैसे तो कहते हैं आस पास सफाई करो, जो शौचालय में गंदगी, हमारे सबके घर तक बदबू जाता है। सफाई नहीं करोगे तो बीमारी तो फैलेगी। घर यहीं पे कहाँ? यहीं पे है, ये 60 में है। आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर गंदा है और गंदगी भरमार है। देखिए किस प्रकार से ये पड़े हुए हैं, शराब के पाउच पड़े हुए हैं। और बात करते, देखिए, आ जाइए साइड में, आइए अभी अंदर दिखाएंगे। आ जाओ। देखिए कितनी परेशान है ये, इनसे बात करते। परेशानी है, हम आज आए सुबह के पहर इधर आए तो हमारा उल्टी हो गया, हमारी तबीयत खराब हो गया, इसमें शौचालय में आने की बुरा हाल हो गया है। इसमें आखिर मर सर हम कहाँ जाएं? अब रोड पार तो हम जाएंगे नहीं। पानी भी नहीं है एक हफ्ते से? पानी भी नहीं है एक हफ्ते से आ रहा है, पानी भी आता है फिर भी सफाई नहीं होती है। मान लीजिए कभी पानी रहेगा भी तो सफाई नहीं रहती है, अगर हम जाए तो कहाँ जाए? आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देख लीजिए आप, ये जन सुविधा परिषद लिखा हुआ है, दिल्ली आश्रम सुविधा बोर्ड, दिल्ली सरकार, जेजेपी बस्ती, प्रसाद नगर, बदरपुर में, नई दिल्ली में ही है। और किस प्रकार से ये त्रस्त है इन सुविधाओं को लेकर, गंदगी कितनी भरमार है आप देख सकते हो। यहाँ हम फुटेज में दिखाएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं सर। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं हमारे शौचालय के लिए, वो भी कहते हैं कि मम्मी हम वहाँ नहीं जाएंगे, इतने कीड़े मकोड़े निकलते हैं। और दूसरी चीज कहते हैं यहाँ पे सिरिंज रखे होते हैं, वो सिरिंज किस चीज का होते हैं? सिरिंज अंदर रखे होते हैं यहाँ पे बच्चे वालों में, कहते मम्मी इतना गंदा होता है वहाँ पे सब, सिरिंज हमें डर लगता है उन चीजों से। ये चीज बताइए आप, गंदगी तो है पर बच्चा का अकेले आए तो किस चीज एक बड़ी चीज और निकल के सामने आ रही है कि गंदगी तो भरमार है, पानी भी नहीं है, लेकिन नशे के जो इंजेक्शन हैं वो भी अंदर रखे हुए हैं, लगते हैं। आप चलिए हम दिखाते हैं, मतलब आप कितना भी इन लोगों को मना कर दीजिए कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद अगर हम बोलते हैं तो मारने पीटने की धमकी और मिलती है। दादा की कौन कौन मारने? इधर ही के लोग हैं जो ये सब नशा करता है, बाहर के नहीं है। और कौन ऐसा जी? यहाँ एक हफ्ते हो गए, एक हफ्ते से हमारे झुग्गी के अंदर पानी नहीं आ रही है। और देखिए यहाँ पर लेडीज हैं, बच्चे हैं, एक लगभग हमारे यहाँ पर 800 से 1000 आदमी की बस्कित है, 1000 से 800 आदमी हमारे यहाँ रहते हैं, प्लस बाहर से भी लोग हमारे यहाँ आते हैं। और इसके अंदर कभी सफाई नहीं होता, कभी सफाई वाला नहीं होता है। और दूसरी बात, ये स्मैक पीने वाले, गांजा पीने वाले, सिरिंज लगाने वाले, प्रशासन की तरफ से कोई इसका देखभाल नहीं है। तो आपने प्रशासन को इन्फॉर्म किया? हमेशा आती जाती और चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। हाँ जी, दूसरी बात, इस झुग्गी के अंदर आप मरने का काम कर रहे हैं। अगर इस झुग्गी के अंदर पानी का भी समस्या है, जो 75% लोगों के पास पानी घर में नहीं पहुंचता, वो शौचालय के अंदर अगर पानी लेकर भी आएगा तो कहाँ से लेकर आएगा? वो तो बाहर करके जाएगा या रोड पर करके जाएगा? एक ऐसा स्वच्छता अभियान है, पता नहीं कैसा मोदी जी का है, इनको जरा ठीक रहे आप लोग। अभी देखिए, दिखाते हैं आपको कि ये किस प्रकार की गंदगी है, इसमें भरमार है गंदगी की।
और आप हाँ ये आपको आपको दिखा सकते हैं हम लोग, देखिए दूर से ये हाँ पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही गंदगी है और बहुत ज़्यादा इस बहुत ज़्यादा बास मार रहा है, बहुत ज़्यादा ही गंदगी। हाँ पौए मोहसिन भाई जरा दिखा देना, एक पौआ वहाँ रखा हुआ है जन सुविधा केंद्र का, हाल बहुत ज़्यादा ही बहुत गंदा है। आ जाओ मोहसिन भाई आ जाओ, हाँ हाँ बहुत बहुत ज़्यादा गंदगी है, मुझसे खुद नहीं रहा जा रहा है, ये लोग कैसे रह रहे हैं ये बात को मैं क्या बताऊँ आपको, कैसे कैसे आप इस्तेमाल करते हो। हम तो आते ही नहीं है, क्या करें, पानी मजबूरी है भाई सर, हमारे यहाँ तो है नहीं कोई शौचालय की, चलो उसमें अपने पर्सनल बना रखे, मजबूरी है इसमें आना पड़ता है। आप देख सकते हो इतनी गंदगी है, इतनी स्मेल मार रहा है कि हमसे नहीं रहा जा रहा, तो ये लोग कैसे इस्तेमाल करते होंगे। और जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था वाले लोग सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, ये पोल खोल रही है उनकी दावों को, जो दिल्ली सरकार है केंद्र की सरकार है जो बड़े बड़े दावा करते हैं स्वास्थ्य को लेकर, आप देख लीजिए इन देखिए कितनी गंदगी है, स्वच्छ भारत अभियान चलता है स्वच्छता की आप बात करते हैं और इतनी गंदगी यहाँ पर है, इतनी बात आ रही है यहाँ पर कुछ कहने को नहीं है। और जी 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 इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, जी 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 इधर, हाँ नहीं वो देख देख लिया, वो देख लिया, अच्छा 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 आइए आइए देखिए, अभी 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 भी हम लोग जेंट्स वाले में गए थे, अब ये लेडीज़ वाला है टॉयलेट है, यहाँ भी दिखा देंगे आपको कि यहाँ भी, हाँ 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 ये देखिए गेट 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 देखिए, ये गेट टूटा हुआ है, सारे गेट टूटे हुए हैं और ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि इसमें, हाँ पानी नहीं है, आप देख सकते हो पानी नहीं है, दीवारें जर्जर व्यवस्था में है, हालात बहुत बदसे बदतर हैं यहाँ पे, कैसे सरवाइव कर रहे हैं मुझे नहीं पता, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ही गलत है, बहुत 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 ज़्यादा गलत है। आ जाओ मोहसिन भाई, हाँ आ जाइए, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, हाँ एक सेकंड, आप देख सकते हो कितना कितने बद से बदतर हालत में ये जन सुविधा केंद्र प्रसाद नगर में जो मोलरबंद में चुकियाती बाट में, और सरकारें बड़े बड़े दावा करती हैं कि यार स्वच्छता स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे करती हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, लेकिन ये पोल खोल रहे हैं, ये जो टॉयलेट है या जो जन सुविधा केंद्र है सरकार को, सरकार की पोल खेल रही है, नकारे हैं सरकारें, क्या कहोगी अम्मा बहुत गंदगी है, मेरे से बर्दाश्त नहीं की है, उल्टी हो जाता है, हम लोग आते हैं रोटी नहीं खा जाता है, हाँ और का बाबू अमन का बहुत आते नहीं पेट में गंदगी, हाँ 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 हम हाँ हाँ एक मिनट पवन हमारे साथ है, पवन चार पांच दिन से लगातार जनप्रतिनिधि यहाँ के जो हैं, यानी कि यहाँ के जो विधायक पांच विधायक साहब हैं पार्षद साहब हैं, उनसे अपनी गुहार लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जब हमें बुलाया हम जब मीडिया के सरकार मीडिया एक मिनट अम्मा एक मिनट जब हमारे हमारे संज्ञान में मामला आया तो तुरंत ही नल बनने लगा यहाँ पे, और नल बनने लगा लेकिन यहाँ सफाई कर्मी अभी नहीं आए। पवन कितने दिन आप ये प्रयास कर रहे हो इसको कराने की? एक हफ्ता तो हो ही गया, एक हफ्ता हो गया आपको? एक हफ्ता से मुझे शिकायत मिल रही है, लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि मतलब कि भैया आपने वोट किस नाम पे दिया। आपसे शिकायत क्यों करते हैं लोग? शिकायत इसलिए करता है क्योंकि मैं खुद आम आदमी पार्टी से हूँ। आम आदमी पार्टी से हो? हाँ अच्छा, हाँ मैं विचारधारा सपोर्ट करती हूँ, हाँ सपोर्ट करता हूँ। लोकल जो नेता किनको सपोर्ट? हेमचंद गोयल जी नेताजी को सपोर्ट करता हूँ मैं, हाँ मगर अब उनके पीएजी से मैंने बात किया तो वो कहते हैं कि जो डूसू है ये आता है विधायक के अंडर में। अच्छा हाँ, राम सिंह जी के अंडर में आता है विधायक? नहीं नहीं, बिदुड़ साहब के अंडर, बिदुड़ साहब। हाँ तो अगर सुरेंद्र जी को मैंने मैसेज डाला, सुरेंद्र जी को मैंने फोन भी किया, सुरेंद्र जी का भी कोई रिस्पांस नहीं, कुछ नहीं, बस ओके लिख के भेज दिया जी करके कि मैंने देख लिया। हाँ मगर उसके बाद भी दो दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, उसके बाद मैं दो दिन से कॉल कर रहा हूँ, कोई रिस्पांस नहीं, फोन नहीं उठाते? नहीं, आपका फोन ही नहीं उठा? नहीं उठाया। देखिए देखिए, हाँ हाँ देखिए, अभी देखिए हम लोग अभी फोन करवाएंगे और बात करने की पवन से कोशिश करवाएं। पवन एक हफ्ते से लगातार लगे हुए हैं लेकिन हालत बद से बदतर हो चुके हैं। पवन मैसेज दिखाओ पहले तो, जो देख हाँ कैमरे पे आप देख सकते हो, पवन ने सबको इन्फॉर्म किया है और लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं हुई है। पवन अब हम चाहेंगे आप फोन लगाओ एक बार, देखिए क्या रिप्लाई आती है। अभी आप देख सकते हो ऑन द कैमरा हम लोग फोन लगवा रहे हैं पवन से, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रतिनिधि हैं, विधायक साहब हैं, पार्षद साहब हैं, उनको फोन लगाने जा रहे हैं हमारे सामने ये। पवन किसको फोन लगा रहे हो अभी? सुरेंद्र भी। अच्छा उनके बेटे हैं विधायक साहब के। देखिए सुरेंद्र जी को ये लगा रहे हैं फोन, क्या कहते हैं वो लगाओ।
नहीं उठाया कोई। देखिए पवन ने फोन लगाया हमारे साथ, सामने फोन लगाया, सुरेंद्र जी को फोन लगा। पवन किसको फोन लगाया आपने? सुरेंद्र भिदुड़ी जी को फोन लगाया, जो बेटे हैं यहाँ के विधायक साहब के, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और इस तरह के हालात बस से बदतर हैं, ये कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? अभी अभी देखिए आप, हमारे सामने जैसे मामला आया, हमारे संज्ञान में जैसे ही मामला आया, आप ये पाइप देख सकते हो, ये नल के पाइप हैं जो अभी निकाले जा रहे हैं। आपको अब दिखाना चाहेंगे, देखिए ये नलकर्मी जो हैं, जो सही करने वाले हैं, ये यहाँ नल सही कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हो केबल्स निकली पड़ी हैं और ये काम करने नल निकाले न, क्या कर रहे हो भैया, नल ठीक कर रहे हो अभी? हाँ जी है ना, तो आपको कब पता लगा आपको नल ये ठीक करना है? इनसे पूछे देखिए, इनसे बात करेंगे भाई साहब, ये कब से पता लगा आपको नल सही करना? परसों आपको पता लगा, तो आप आज आए हुए हैं। हाँ, लेकिन हालात बहुत बहुत बद से बदतर है ना। ये मोटर तैयार को कर दूसरा करके लेके आना था, इसलिए आए दोबारा, तो फिर निकाल लेते, फिर बन के आता दोबारा, टाइम लगता कि नहीं लगता? कितना टाइम लगता? एक दिन और लगता टाइम, एक दिन अभी और लगता। अभी क्या दिक्कत है इसमें? मोटर जली हुई है। मोटर जली हुई है तो ये रिपेयर होगी या नहीं पड़ेगी? नहीं ये पड़ेगी, नहीं रिपेयरिंग होगा दूसरी, अभी 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 डलेगी, अभी हो जाएगी चालू। पानी अभी चालू अभी हो जाएगी आधे एक घंटे। आप देख सकते हो हमारे साथ मिस्त्री साहब थे, मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि ये मोटर जो ना खराब हो गई है, रिपेयरेबल, ये जो रिपेयर करी हुई मोटर लेके आए साथ में, और ये तुरंत ही इंस्टेंट अभी पड़ेगी और पानी चालू हो जाएगा। लेकिन अभी जो सफाई कर्मी है वो नहीं पहुंचे हैं और कोई भी नहीं आया हुआ है। जैसे हमारे संज्ञान में ये मामला आया, ये पहले से ही आ गए ऑन द स्पॉट, और हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो आला अधिकारी है, प्रतिनिधि है, यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो इसको जल्द से जल्द करवाएं ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुँचे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारतीय बुलेटिन और होमगार्ड मीडिया। हम इस तरह की जमीनी स्तर की खबरें बराबर आपके सामने रखते रहेंगे और उठाते रहेंगे, निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से।